गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट. नाउ गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है. पिछला जो हमने किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? मतलब जो डाइजेस्टिव होता है पाचन सिस्टम, मतलब तंत्र, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम, कि हम जो खाना खाते हैं वो किस तरह डाइजेस्ट होता है, किस तरह से पचता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले डाइजेस्ट सिस्टम की इंट्रोडक्शन दे देते हैं. डाइजेस्ट सिस्टम कीप द हेल्दी एंड एक्टिव बॉडी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड. एंड डाइजेस्ट सिस्टम इज हेल्पफुल इन डिक्लूजिंग द फूड टेकन and breaking in it into small part. In these form the food easily through the blood capillaries, then change into nutrients important for repairing fibers and making new fibers. The digestive system how following important part. ये थे हमारे पास डाइजेस्ट सिस्टम की इंट्रोडक्शन. जो डाइजेस्ट सिस्टम है इसमें बहुत सारे पार्ट यूज होते हैं जो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में अपना रोल निभाते हैं. इसको हम एक करके देखेंगे. जैसे फर्स्ट है माउथ. माउथ का काम का जो सबसे बड़ा काम है, जो हम खाना खाते हैं उसको मुंह में पकड़ना, मतलब मुंह खाना को पकड़ता है. फिर नेक्स्ट है टीथ. टिथ जो हमारा जो भोजन है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है. और नेक्स्ट है टंग. टंग जो जीव होती है वो हमारे भोजन को सलाइवरी ग्लैंड के साथ मिक्स कर देता है. और जो हमारी फूड पाइप है उसकी तरफ आगे की तरफ धकेलता है. जो फूड पाइप है वो हमारे भोजन को सीधा स्टमक में लेके जाता है. स्टमक में कुछ भोजन का जो पार्ट है वो डाइजेस्टिव हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट जो रह जाता है वो आगे हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें चला जाता है. उससे पहले पैनक्रियाज आता है. जैसे हम कोई एक्स्ट्रा जैसे कठोर चीज, मतलब जो ज़्यादा हार्ड हो उस खा लेते हैं, उनको पचाने के लिए पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाटिक जूस छोड़ती है, जिससे कि जो हमारा जैसे हम बासा भोजन खाते हैं उसको पचाने के लिए पैनक्रियाटिक जूस छोड़ेंगे, जिससे कि हमारा भोजन डाइजेस्टिव हो जाता है. नेक्स्ट है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन. जब हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे हमारा जो भोजन है 70-80% पच जाता है. फिर उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन. इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन में वो सारा भोजन पच जाता है. इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं वो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें पच जाते हैं. और जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब भोजन पहुंचता है उस टाइम जो हमारे पास अपेंडिक्स पड़ा है, अपेंडिक्स आपने सुना होगा, अपेंडिक्स जो जूस अपना केमिकल छोड़ता है. जब जो ज़्यादा हार्ड चीज़ होती है, जैसे हम हार्ड चीज़ खा लेते हैं कुछ, उसको पचाने के लिए जो छोड़ता है, जिससे कि वो जो हार्ड चीज़ है वो पच जाती है. और लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम हमारा जो भोजन है, मैक्सिमम सारा भोजन हमारा डाइजेस्ट हो जाता है. जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमारे को पोषक तत्व मिलने से भोजन से, वो हमारे को मिल जाते हैं. उसके बाद जो हमारे पास एनएस है, एनएस के थ्रू हमारा जो भोजन, जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकल जाते हैं. ये था हमारे पास इसके डाइजेस्ट सिस्टम की जो ट्रैक है, डाइजेस्ट सिस्टम का जो ट्रैक है, इनके पार्ट्स कौन कौन से यूज होते हैं. वो थे माउथ, फर्स्ट इन माउथ, सेकंड टीथ, थर्ड टंग, फोर्थ सलाइवरी ग्लैंड, फिफ्थ फूड पाइप, सिक्स्थ लीवर, सेवंथ स्टमक, एट पेनक्रियाज, नाइन गैल ब्लडर,
10 स्मॉल इंटेस्टाइन, 11 लार्ज इंटेस्टाइन, 12 अपेंडिक्स एंड 13 एनस। ये था हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक। उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या ट्रैक भी बोल सकते हैं, वो मैं आपको ये आपके फ्रंट में दिख रहा है, बाकी आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ये था हमारे पास डाइजेस्ट सिस्टम कि कैसे होता है खाना हमारा, कैसे पचता है। और नेक्स्ट वन है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो पाचन तंत्र है इस पे हमारी जो एक्सरसाइज है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइजेशन। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं इससे जो हमारा डाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, जो हमारे जो फूड को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। जैसे बाय द एक्सरसाइज क्लियर डाइजेशन इम्प्रूव फूड इज फुली डाइजेस्ट। जो जो भी हम खा रहे हैं वो पूरी तरह से पच जाता है। नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन एप्टीट्यूड। बाय प्रॉपर वर्किंग डाइजेस्टिव सिस्टम द एप्टीट्यूड ऑटोमेटिकली इंक्रीज। जब भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरह से काम कर रहा है, सही तरह से फंक्शन कर रहा है, जो हमारे डाइजेस्ट कर भोजन को पचाने की जो कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दिस इज पॉसिबल ओनली विद प्रॉपर एक्सरसाइज। ये सब जो चीज तभी पॉसिबल है जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एप्टीट्यूड ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन है नो कंस्टिपेशन। दीज हु डू रेगुलर एक्सरसाइज दे रिमेन फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम्स कंस्टिपेशन बाय एक्सरसाइज द इंटेंसिटी ऑफ मसाज एंड गो इट्स कंस्टिपेशन इज अवॉइडेड। ये होता है कंस्टिपेशन, नो कंस्टिपेशन। जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी हमारे को प्रॉब्लम होनी है, यदि हम सही तरह से फिजिकली एक्सरसाइज करेंगे, हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो पूरी तरह से मतलब डाइजेस्टिव करने के लिए पूरी तरह सक्षम होगा, तो हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक में वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम या कोई बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट वन है इम्प्रूव इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी शायद आपको याद आ गया होगा, इम्यूनिटी विद रेगुलर एक्सरसाइज देयर इज इंक्रीज इन द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। दिस इज बिकॉज ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज। आजकल आपने सुन ही रहे होंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा वो किसी भी बीमारी के प्रति उसकी जो बॉडी है प्रतिरोधक बन जाती है, वो किसी भी बीमारी के का सामना कर सकती है। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, डॉक्टर्स बोलते अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ, तो उसी की बात हो रही है। इम्प्रूव इम्यूनिटी सिस्टम विद रेगुलर एक्सरसाइज देयर इज इंक्रीज इन द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी इन दिस बिकॉज ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज। जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारी रेगुलर एक्सरसाइज है, यदि हमारी रेगुलर एक्सरसाइज अच्छी होगी, यदि अच्छी है तो जिससे हमारे की जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। जो भी हमारे को कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई बीमारी होती है, उसके प्रति वो काम करने के लिए प्रतिरोधक बन जाता है, मतलब उसके 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 प्रति पक्ष में हो जाता है, वो बढ़िया उसके अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ को इसमें हमारे पास पॉइंट है इंक्रीज इन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। जो हमारी स्टोरेज क्या होती है, इंक्रीज ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। हमारे जो
कैपेसिटी है, जो हमारे स्टोरेज करने की कैपेसिटी, जो हमारी मेमोरी है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पर मेमोरी कार्ड है, जैसे हमारा पेन ड्राइव है, जो उसकी स्टोरेज जैसे 6 GB है। जब जैसे हमारे पास पेन ड्राइव है तो उसकी कैपेसिटी है 2G 4G भी होगा, और जो हमारा पेन ड्राइव है उसकी कैपेसिटी है 6 GB 12 GB 26 GB, है ना। तो ऐसे ही हमारी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारे पार्ट्स है उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज होता है वो जो उनके उसके अंदर पेनक्रेटिक जूस होता है, उसको उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे गैल ब्लडर है, स्टमक है, पेनक्रियाज, गैल ब्लडर, स्टमक एक्टिव ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज, द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क मोर इजिली एंड प्रॉपरली, दिस इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी इन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बॉडी। तो जो मैं बात कर रहा था कि हमारी रेगुलर एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसकी जो मात्रा है वो सही तरह से होगी, तो जिससे जो हमारा पेनक्रियाज है, गैल ब्लड है, स्टमक है, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, और जो हमारा जो फूड है वो इजीली और प्रॉपरली डाइजेस्टिव हो जाएगा। और नेक्स्ट वन है एफिशिएंट एफिशिएंट मेटाबॉलिक प्रोसेस। एफिशिएंट क्या होता है? सही। बाय द रेगुलर एक्सरसाइज द कैपेसिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज ऑल द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट इम्प्रूव कंटेंट्स ऑफ द फूड आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ईटीसी एक्सेट्रा आर एब्जॉर्ब एंड मिक्स्ड, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। जो ये बोल रहा है, जो एक्सरसाइज करने जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो हमारे महत्वपूर्ण कंटेंट्स है, पदार्थ है, जैसे फूड सबसे बड़ा हमारे लिए कंटेंट्स है, फूड इम्पोर्टेंट वो कंटेंट फूड है, वो उसको इजीली ऑब्जर्व कर लेता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आदि को उसे इजीली प्राप्त कर सकता है, और उसमें से जो मिक्स हमारे को एनर्जी मिलनी थी उसको प्रोड्यूस करता है और हमारी बॉडी तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट वन है इंक्रीज एनर्जी एंड कैपेसिटी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ड्यू टू एक्सरसाइज देयर इज इम्पोर्टेंट इन लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, ग्लैंड्स, दे वर्क एफिशिएंसी एंड बॉडी फ्रॉम डिजीज। हमारी जो एक्सरसाइज है, फिजिकली एक्सरसाइज है, उसका हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी जो हमारे पार्ट्स है उनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, जैसे लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, ग्लैंड। यदि इनकी वर्किंग कैपेसिटी या एफिशिएंसी अच्छी होगी तो हमारा जो हमारे अंदर जो बीमारियां होनी थी वो रिड्यूस हो जाएगी, जिससे कि हमारे जो पाचन क्रिया है वो सही तरह से हो पाएगी। नेक्स्ट वन जो लास्ट पॉइंट है इसमें, प्रिवेंट्स ओबेसिटी। ओबेसिटी होता है मोटापा। रेगुलर एक्सरसाइज, यूज द फूड प्रॉपरली एंड देयर इज नो चेंज इन इंक्रीज द साइज ऑफ एक्सरसाइज, द डाइजेस्टिव एंड अदर सिस्टम रिमेन, द बॉडी इज साउंड फ्रॉम वेरियस डिजीज। जो हमारी एक्सरसाइज है, जो रेगुलर एक्सरसाइज से जो है हमारे जो फूड है प्रॉपरली डाइजेस्टिव हो जाते हैं, जिससे कि हमारे अदर जो सिस्टम्स है उनकी जो बॉडी कैपेसिटी है, उनका जो सिस्टम की कैपेसिटी वो अच्छी हो जाती है, जिससे हम अलग अलग बीमारियों से लड़ सकते हैं। ये था हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आज के लिए हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम अगले अगले तो इसमें।
अगले लेक्चर में। तो इसमें आपको जो कुछ समझना आया हो तो आप मेरे को कमेंट, तो आप करते नहीं है कमेंट, क्या कमेंट अपना जो यूट्यूब चैनल बना उसमें कमेंट किया करो कोई तो पूछो। और हमारे मैं इसमें व्हाट्सएप पे नोट्स भी दे रहा हूँ, उसको आप राइट डाउन करो, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। दिस इज ए डाइजेस्ट सिस्टम या डाइजेस्ट ट्रैक, हमारा ये डाइजेस्ट ट्रैक है। और कुछ समझना आया हो, कोई पॉइंट समझना आया हो तो आप मेरे को मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।